क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा को आने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, इस वीडियो में हम T20 विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप किस देश में और किस वक्त खेला जाने वाला है इस बारे में बड़ी खबर बताने वाले हैं। वहीं आने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भारतीय टीम का T20 क्रिकेट के लिए कप्तान कौन रहेगा इस बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, IPL 2020 के खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर वह 15 दिनों के क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद भारतीय टीम को 27 नवंबर से वनडे, T20 और टेस्ट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है। इस महामारी के दौर में भारतीय टीम लगभग एक साल बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जा रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय क्रिकेट और विश्व क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि ICC ने T20 विश्व कप का आयोजन अक्टूबर से लेकर नवंबर 2020 में भारत में किया था, लेकिन इस महामारी के चलते सभी ICC के इवेंट्स को अगले साल के लिए पोस्टपोन किया गया था। ICC से सबसे पहले एक खबर आ रही थी कि 2020 में खेले जाने वाला T20 विश्व कप अब 2021 में नहीं बल्कि 2022 के अंत में खेला जाने वाला है, लेकिन दोस्तों BCCI द्वारा आयोजित IPL 2020 के बिना किसी दिक्कत के खत्म हो जाने के बाद अब ICC भी T20 विश्व कप को भारतीय सरजमी पर खिलाने को तैयारी में लग चुकी है। दोस्तों, यह विश्व कप लगभग अक्टूबर से नवंबर 2021 के दरमियान खेला जा सकता है। वहीं यह विश्व कप भारत में होने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम को इसका बहुत बड़ा लाभ जरूर होगा। वहीं दोस्तों, भारत आगे होने वाली चैंपियन ट्रॉफी और 2023 में खेले जाने वाले ICC का वनडे विश्व कप भी होस्ट करने वाली है। इसकी ऑफिशियल डेट तो अभी तक ICC के द्वारा अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन यह तीनों ही टूर्नामेंट इतिहास में पहली बार भारत होस्ट करने वाला है। वहीं दोस्तों, इस आने वाले T20 विश्व कप में भारतीय टीम के T20 के कप्तान में बदलाव हो सकता है। तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए इस समय कप्तान विराट कोहली हैं, लेकिन तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए आसान बात नहीं रहती है। कप्तानी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी पर भी ध्यान देना विराट कोहली को दिक्कत भरा रह सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मामूली मैचेस में इसका ज्यादा दबाव खिलाड़ियों पर नहीं रहता, लेकिन ICC के टूर्नामेंट्स में टीम का हर एक खिलाड़ी दबाव में रहता है, खास करके उस समय टीम का कप्तान जो सबसे ज्यादा दबाव महसूस करता है। इसी के चलते BCCI और भारतीय सिलेक्शन कमेटी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बना सकते हैं। अभी संपन्न हुए IPL 2020 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने पांचवी बार IPL T20 का खिताब अपने नाम कर लिया। बतौर कप्तान IPL में रोहित शर्मा का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है, जिसके चलते इस वक्त तो T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान तो भारतीय टीम को कोई और मिल ही नहीं सकता। वहीं दोस्तों, आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए हमें कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन दिखेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली और चौथे नंबर पर KL राहुल मौजूद रहेंगे। वहीं पांचवें नंबर पर इस साल IPL में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव को टीम में चुना जा सकता है। वहीं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर इस टीम का हिस्सा रहेंगे। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और नए तेज गेंदबाज टी नटराजन तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे और स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल मौजूद रहेंगे। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, यह भारतीय टीम इस समय पूरे विश्व में एक बेहतरीन T20 टीम दिखाई दे रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यह टीम अगले साल का विश्व कप जीतकर एक बड़ा इतिहास जरूर रचने में सफल रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है विश्व कप 2021 के लिए भारतीय टीम का T20 कप्तान किसे बनाना चाहिए, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली? आप अपने पसंदीदा T20 कप्तान का नाम नीचे हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं।